Hello students, this is Madhu and I welcome you in your computer class. And today we are going to start chapter number 1, computer memory. And in this video, I'm going to explain the chapter. So come on, let's start the topic. So students, this is chapter number 1, computer memory. So first of all, we should know about what is computer memory. आखिर कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है? मेमोरी, आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा. जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स के पास माइंड होता है और विद द हेल्प ऑफ दिस माइंड और ब्रेन हम कुछ भी मेमोराइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं. जैसे कि एग्ज़ाम देने जाना होता है आपको, तो आप अच्छे से पढ़ाई करते हो और एग्ज़ाम में आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उसके आंसर्स लिख देते हैं. कैसे लिखते हैं? कोई बुक और कॉपी तो होती नहीं है. हमने उनके उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को मेमोराइज कर रखा था, हमारी मेमोरी में थे, हमारे ब्रेन की मेमोरी में वो सेव थे. सो हमने उसे रिकॉल करके आंसर को लिख दिया. सेम एज कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है, उसका भी एक ब्रेन होता है. सो इस मेमोरी के बारे में ही हम रीड करेंगे इस चैप्टर में, उसी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो जो भी हम इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं ना, वो उसकी मेमोरी में जाके सेव हो जाती है. और इन फ्यूचर जब भी हमें उन टॉपिक्स की ज़रूरत होती है तो हम उसे कंप्यूटर के थ्रू दोबारा से देख सकते हैं या वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. इन दिस चैप्टर कंप्यूटर मेमोरी, इस चैप्टर में आपको टू वर्ड्स सबसे पहले समझने हैं, डेटा एंड द सेकेंड इज इन्फॉर्मेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस वर्ड DATA. आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स इसे रीड करते हैं डाटा, दैट इज़ रॉन्ग. ये बिल्कुल गलत है, ये प्रोनंसिएशन रॉन्ग है. द करेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज डेटा, नॉट डाटा. आपको डाटा नहीं इसको रीड करना है, इसको रीड करना है डेटा. एंड द सेकेंड वर्ड इज इंफॉर्मेशन. ओके, सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दीज टू वर्ड्स. आपको इन टू वर्ड्स से अच्छे से अवेयर होना है, वॉट इज डेटा एंड वॉट इज इंफॉर्मेशन. अब मैंने यहाँ पे इनकी डेफिनेशन भी लिखी है, बट डेफिनेशन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी. सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं इसे समझेंगे. सो स्टूडेंट्स, आई गिव यू वन एग्जांपल. आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, आप क्लास 4th के स्टूडेंट हैं, आप अकेले नहीं हैं, उसमें आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं. ओके, आपकी क्लास में टेस्ट होता है, कोई एक टेस्ट नहीं होता है, मैथ्स का होता है, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, SST, डिफरेंट सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं और नंबर भी सेम नहीं मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं. सो लुक एट हियर, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं, जैसे राजीव, अरुण, इमरान. कुछ सब्जेक्ट्स हैं मैथ, कंप्यूटर, और कुछ नंबर्स हैं 55, 62, 88, 67, 59, 70. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें क्या मिला हुआ है पूरा? हमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम मिले हैं, कुछ सब्जेक्ट्स मिले हैं और कुछ नंबर्स मिले हैं. सो ये जो जितना भी हमें मिला है मटेरियल, दैट इज़ कॉल्ड डेटा. इसे हम कहते हैं डेटा. और जब हम इस डेटा को अपने पास रखते हैं और इसको अच्छे से इस फॉर्म में, लुक एट हियर, जैसे यहाँ पर नंबरिंग कर दी गई है, यहाँ पे जैसे अरुण, इमरान, राजीव, या मैथ और कंप्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. अरुण को 62 मैथ्स में मिले हैं, अरुण को 59 कंप्यूटर में मिले हैं. तो इसी तरह इमरान को 58 मैथ्स में, 74 कंप्यूटर में, राजीव को 55 मैथ्स में, 67 कंप्यूटर में मिले. अब यहाँ अच्छे से फॉर्मलाइज्ड करके, अच्छे से मैनिपुलेटेड, यानी कि अच्छे से इसको अच्छे ढंग के फॉर्म में लिख दिया और हमें पूरी जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी हमें जानकारी चाहिए, वो हमें तुरंत मिल रही है इसमें. सो ये है इन्फॉर्मेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो ये था वन एग्जांपल. आई विल गिव यू वन अनदर एग्जांपल. मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ. जब आप स्कूल जाते हैं तो आप अपने साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स की कॉपी बैग में रखते हैं, साथ में आप एक कॉपी और रखते हैं, वो होती है आपकी रफ़ कॉपी. और रफ़ कॉपी में आप क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के वर्क नोट डाउन करते हैं, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं. सो और जब आप घर आते हैं तो वो सारे वर्क को अच्छे से आप हर सब्जेक्ट की कॉपी में लिख देते हैं. सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो रफ़ कॉपी है ना, वो डेटा है. आपके पास वो डेटा है जो आपने क्लास में पढ़ाई की, वो डेटा है. और जब आप उसको हर सब्जेक्ट को अच्छे से फॉर्मलाइज करके, मैनिपुलेटेड करके हर सब्जेक्ट की कॉपी में लिख देते हैं, दैट इज़ इंफॉर्मेशन. ओके, समझ में आ गया आपको कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है. अंडरस्टूड एवरीवन? सो लेट्स रीड द डेफिनेशन. अब हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे और साथ में समझेंगे भी. डेटा,
data can be defined as a representation of fact. Data define किया जाता है representation of facts का, मतलब जो facts हमें मिले हैं. Concept और instruction in a, जो concept है या जो instructions हमें मिले हैं in a formalized manner that is suitable for processing. एक formalized manner में मिलता है और जो कि processing by a human or an electronic machine, और उसको process किया जाता है ह्यूमन के थ्रू. जैसे कि ये लिस्ट बनाई है, ये किसी ह्यूमन यानी इंसान ने बनाई है, या इसको हम कंप्यूटर के थ्रू भी ये लिस्ट बना सकते हैं. तो उसको हम प्रोसेस करते हैं ह्यूमन और एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू. अंडरस्टूड, ये है डेटा की डेफिनेशन. इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनिपुलेटेड डेटा दैट हैज मीनिंग एंड इज यूजफुल फॉर द रिसीवर. सो इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रेफर करता है ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेटेड. मैनिपुलेटेड मतलब उसको ढंग से लगाना, अच्छे से सेटअप में लगाना. मैनिपुलेटेड डेटा दैट हैज मीनिंग, जिसका कि कोई मीनिंग हो और वो यूजफुल हो फॉर द रिसीवर. रिसीवर कौन होता है, जिसको इन्फॉर्मेशन लेनी है. जैसे हमें, जैसे आपकी मैम आपके नंबर को रिपोर्ट कार्ड में अच्छे से लिख के देती है ना, दैट इज इन्फॉर्मेशन. और आपको जो वो दे रही हैं तो आप हुए रिसीवर. ओके, so this is the definition of data and this is information. So I will give you one more example. जैसे आपकी मैम आपको रिपोर्ट कार्ड दे रही हैं, that is information. Okay, अब यहाँ देखिए, ये आप इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर आपको राजीव, अरुण, इमरान, ये सब नेम लिखे हैं, सब्जेक्ट के नेम लिखे हैं और यहाँ पर आपको नंबर्स भी दिए हैं. बट क्या इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि इसमें अरुण के मैथ्स और कंप्यूटर के नंबर है, तब भी आपको समझ में नहीं आएंगे कि इसमें अरुण के कितने नंबर हैं मैथ्स में या कंप्यूटर में कितने नंबर हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा. बट ये फिर भी एक तरह से डेट, एक तरह से हमारे पास जितना भी ये फैक्ट्स हैं, इनके बिना हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं किसी की भी. सो ये फैक्ट्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेटा. और इसी को हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, और जब कंप्यूटर उसको मैनिपुलेटेड फॉर्मलाइज्ड करके फॉर्म करता है तो क्या बन जाता है, ये इंफॉर्मेशन. ओके स्टूडेंट, लुक एट हियर, आवर टॉपिक इज डेटा इन कंप्यूटर्स. ओके, द कंप्यूटर वर्क्स ऑन डेटा. हाउ डू कंप्यूटर वर्क्स? आपको पता है कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर अपने आप काम नहीं करता. When we put something inside of the computer, जब हम computer में data डालते हैं, then it can process data input. Means जब हम data डालते हैं तो वो process करता है. Process मतलब उस पर work करता है. जो data हम computer में enter करते हैं उसे हम कहते हैं input. Okay? What do we say? Input. And convert it into useful information output. फिर कंप्यूटर उस इनपुट पे वर्क करता है एंड देन जो हमें आंसर चाहिए, हमें जो भी उससे रिलेटेड रिजल्ट चाहिए, वो कंप्यूटर हमें मॉनिटर स्क्रीन पे शो करता है. ओके, एंड उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन यानी आउटपुट. कंप्यूटर में हमने डेटा इनपुट किया, डेटा पे वर्क हुआ, डेटा कन्वर्ट हो गया. किस में कन्वर्ट हुआ? इन्फॉर्मेशन में. जब हम प्रॉपर वे में सीक्वेंस में डेटा को लगा देते हैं जो कि यूजफुल हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन. सो कंप्यूटर में जब हम डेटा इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उस पर वर्क करता है, देन कंप्यूटर गिव्स अस इन्फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड आउटपुट. ओके, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, we can enter data into the computer as text. We can enter यानी कि हम कंप्यूटर में एंटर कैसे करते हैं डेटा, हम कंप्यूटर में एंटर कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट. टेक्स्ट क्या होता है, जो रिटन फॉर्म है, आप टाइप करते हो ना कंप्यूटर पे रिटन फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट. नाउ पिक्चर्स, हम मोबाइल के थ्रू पिक्चर्स उसमें डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, या किसी भी गैजेट्स के थ्रू हम कंप्यूटर में पिक्चर डालते हैं. ऑडियो, हम वॉइस ऑडियो एंड सम वीडियोस भी कंप्यूटर में एंटर करते हैं.
एंड कैन गेट द रिजल्ट अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स मिलते हैं. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. सपोज आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, सिस्टम पे, आपको मैम ने क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द आंसर ऑफ 2 + 5. आपने फटाफट कंप्यूटर पे एंटर किया और रिजल्ट आपका मॉनिटर पे आ गया. ओके, तो उसमें आपने जो 2 + 5 एंटर किया, दैट इज इनपुट. ओके, फिर कंप्यूटर ने उस पर वर्क किया. ओके, वो हुआ प्रोसेस. और फिर कंप्यूटर ने रिजल्ट निकाल के आपको मॉनिटर पे शो किया, दैट इज आउटपुट, यानी इंफॉर्मेशन. ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, हाउ कंप्यूटर वर्क्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड एंड माउस. हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट यानी डेटा डालते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस. ओके किड्स, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कीबोर्ड. सी, दिस इज अ कीबोर्ड. ये कीबोर्ड होता है, सी, एंड ये इसमें की हैं, कीज हैं. ये देखिए, ये कीज हैं, एंड देयर इज अल्फाबेट्स आर रिटन ऑन द कीज. कीज पे अल्फाबेट लिखा है, नंबर है. तो जब हम टेक्स्ट में मैसेज उसमें डालते हैं कंप्यूटर में, सो इन्हीं टेक्स्ट यानी कि अल्फाबेट के थ्रू वी कैन एंटर इनटू द कंप्यूटर. ओके, दिस इज कीबोर्ड. ओके, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वी इनपुट डेटा इनसाइड ऑफ द कंप्यूटर. और दिस इज द वायर. ये वायर है और ये हम कंप्यूटर में अटैच कर देते हैं, देन कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द कीबोर्ड. एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू माउस. दिस इज माउस. सी, दिस इज माउस. ये देखिए, दिस इज माउस. व्हेन वी अटैच दिस माउस विद द हेल्प ऑफ दिस वायर, इट विल वर्क फॉर द कंप्यूटर. और माउस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यू नो ना, कि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन होती है कर्सर पे क्लिक करते हैं, देन वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स ऑल्सो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ माउस. दिस इज कॉल्ड माउस ऑफ द कंप्यूटर. आई हैव शोन यू कीबोर्ड एंड माउस. ओके, नाउ यू अवेयर अबाउट कीबोर्ड एंड माउस. ऑलरेडी यू फैमिलियर अबाउट बोथ द थिंग्स, बट टुडे आई हैव शोन अगेन. ओके किड्स, नाउ वी हैव एंटर द डेटा. हमने डेटा एंटर कर दिया. Now next process is C. This is CPU. Okay, C. This is CPU. हम जो भी डेटा एंटर करते हैं ना कंप्यूटर में, वो प्रोसेस कहाँ होता है, उसके ऊपर वर्क कहाँ होता है, उसके ऊपर वर्क CPU में होता है. सी, ये देखिए CPU, इसमें वर्क होता है. मॉनिटर पे थोड़ी ना वर्क होता है, मॉनिटर पे तो रिजल्ट शो होता है. ओके, द CPU प्रोसेस द इनपुट डेटा. CPU क्या प्रोसेस करता है, जो हम डेटा उसमें इनपुट करते हैं, एंड टर्न्स इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और उसको वो यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है. आई वॉज गिवन यू वन एग्जाम्पल ना, कि वॉट इज द 2 + 5. आपने उसमें कीबोर्ड के थ्रू टाइप किया, देन माउस के थ्रू एंटर किया, देन CPU के थ्रू प्रोसेस हुआ, एंड एट लास्ट द मॉनिटर डिस्प्लेज आउटपुट्स द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स स्क्रीन. अब जो भी कंप्यूटर ने वर्क करके प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन रेडी की, दैट विल शो ऑन द मॉनिटर. ओके, सो किड्स आई होप यू विल अंडरस्टूड अबाउट द डेटा इन कंप्यूटर, कि हम कंप्यूटर में डेटा, हाउ टू एंटर द डेटा इन टू द कंप्यूटर, एंड हाउ टू प्रोसेस द डेटा, एंड हाउ टू डिस्प्ले द डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन. ओके, नाउ यू विल अवेयर अबाउट 3 steps. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज डिजिटल डेटा. डिजिटल डेटा, ओके, ऑल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स. इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यू नो ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वो मशीन जो इलेक्ट्रिक के थ्रू वर्क करती हैं. ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन्स. ओके, ऑल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, ओके, कैन एक्सेप्ट डेटा
सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसमें कि हम कंप्यूटर को भी इंक्लूड करते हैं कैन एक्सेप्ट डेटा ओनली इन द डिजिटल फॉर्म, वो सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। हम जो हिंदी में टाइप करते हैं, इंग्लिश में टाइप करते हैं, कंप्यूटर उसे उस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, यू विल रीड दिस वर्ड प्रॉपरली। कंसिस्ट्स ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ जीरोस एंड वंस। जीरोस एंड वंस आर कॉल्ड द बाइनरी डिजिट। सो किड्स, कंप्यूटर क्या करता है, जो भी आप इंफॉर्मेशन उसमें पुट करते हैं, कंप्यूटर कन्वर्ट दैट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर ओन लैंग्वेज। कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, वो अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर लेता है, देन फिर वो उस पर प्रोसेस करता है। ओके, सो कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है उसमें टू जो होते हैं, एक होता है से कहते हैं जीरोस, ओके, एंड वंस। कंप्यूटर में हम जो भी एंटर करते हैं वो इसी फॉर्म में बन जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। ओके, इसमें खाली जीरोज होता है एंड वंस होता है, आर कॉल्ड द बाइनरी डिजिट्स, इसे हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स। ओके, और बिट्स, इसको हम बिट्स भी बोलते हैं, या तो हम इसको कहेंगे बाइनरी डिजिट्स या बिट्स, इट्स अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ईच जीरोस एंड वंस इज कॉल्ड अ बिट। ये जीरो और वन को बिट कहा जाता है, दिस इज बिट बिट बिट, ये सब बिट है। ओके, दीज ऑल आर बिट्स, अंडरस्टूड। नाउ एनीथिंग दैट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर, हम जो भी कंप्यूटर में एंटर करते हैं, इज फर्स्ट कन्वर्ट इनटू इट्स बाइनरी फॉर्म। वो पहले कंप्यूटर क्या करता है, जो भी हम उसमें एंटर करते हैं वो पहले अपनी बाइनरी फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर लेता है। ओके, एंड देन इज सेंड टू द सीपीयू, और उसके बाद वो उसे सीपीयू को सेंड करता है। ओके, सी दिस इज सीपीयू, अगेन आई एम शोइंग यू, दिस इज सीपीयू। ओके, फॉर प्रोसेसिंग इन डिजिटल डेटा बाइनरी सिस्टम। सो बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, वट एवर वी एंटर्ड इन टू द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर में कुछ भी एंटर करते हैं, दैट विल कन्वर्ट इन टू बाइनरी वॉट, बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स में टू ही डिजिट्स होती हैं, टू टाइप की, वन होती है जीरोस एंड सेकेंड इज वंस। इसको जीरो नहीं बोलना, यू कैन से यू विल से वंस, और वन नहीं बोलना है, यू विल से वंस, जीरोस एंड वंस, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। जैसे आपने कुछ भी एंटर किया, देन वो ऐसे भी हो सकता है, ये दिस इज दिस 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 इज कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके फाइन, एंड वी विल कॉल बाइनरी डिजिट्स। ओके, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होगी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं वो डिजिटल फॉर्म में ही डेटा एक्सेप्ट करती हैं, दिस इज द डिजिटल फॉर्म, एंड वी विल कॉल इट बाइनरी सिस्टम, बाइनरी डिजिट। ओके, एंड नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, वन रिप्रेजेंट ऑन, इसमें जो वन है वंस, इट इज रिप्रेजेंट ऑन। वन क्या रिप्रेजेंट करता है, वंस ऑन को रिप्रेजेंट करता है, ऑन। ओके, एंड जीरोज रिप्रेजेंट ऑफ, और जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरो ऑफ। ओके, वी कैन से ऑफ ऑन ऑफ ऑन 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 ऑफ ऑन ऑन। ओके, इट रिप्रेजेंट, वन रिप्रेजेंट ऑन एंड जीरो रिप्रेजेंट ऑफ। ओके, यू विल अंडरस्टूड डिजिटल डेटा। ओके, every electronic machine including computer accept data in digital form. Okay, so here binary digital digits or bits, each zero and one is called a bit. Okay, anything that we enter into the computer, okay, first that computer convert its into binary form, this is the binary form. ओके, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे हमारी लैंग्वेज है,
किसी की हिंदी है, किसी की इंग्लिश है, किसी की मराठी, बंगाली, सेम वे कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज है. दिस इज़ द कंप्यूटर्स लैंग्वेज. ओके, आप इसको इस तरह से समझो. अंडरस्टूड? जैसे आपको कोई मराठी लैंग्वेज नहीं आती तो आपको वो मराठी की कोई इंग्लिश या हिंदी में कन्वर्ट करके बताएगा तभी तो आप समझोगे, ऐसे तो नहीं समझोगे. सेम वे कंप्यूटर की भी यही लैंग्वेज है. दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर. ये डिजिटल, ये जो है बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर इसे प्रोसेस में लगाता है सीपीयू में, एंड देन रिजल्ट्स इंफॉर्मेशन विल बी शोड ऑन द मॉनिटर. ओके, वी विल टेक पेज नंबर 3. ओके, यू ऑल आर रेडी, सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. टुडेज टॉपिक इज कंप्यूटर्स मेमोरी. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट कंप्यूटर्स मेमोरी. The computer has a memory to hold and store data and programs. Computer के पास जो memory होती है उसमें वो data and program जो हम उसमें डालते हैं वो store करता है. I'll give you one example. जैसे कि आपकी मम्मा आपको ढेर सारी टॉफीज दे दें तो आप उसको क्या करोगे? कहीं ना कहीं तो store करोगे ना. You will take a pouch या you will take a jar, आप लेके उसके अंदर वो टॉफ़ी रख के उसे इन फ्यूचर के लिए रखोगे कि कभी आपको जरूरत हो तो आप उसे यूज़ कर सको, ईट कर सको निकाल के. सेम वे जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो भी यही काम करती है. हम उसमें जो डेटा या जो प्रोग्राम डालते हैं वो उसको सेव कर लेती है और इन फ्यूचर हमें जब भी ज़रूरत होती है तो वो हमें कंप्यूटर में सर्च करने पर मिल जाती है. सो क्लियर किड्स? नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मेमोरी. कंप्यूटर की मेमोरी 2 टाइप्स की होती है. लुक एट हियर, types of memory. Computers have 2 types of memory. Number one, internal memory. Number 2, external memory. आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, internal memory जो अंदर की memory होती है, external memory जो बाहर की होती है. Let's talk about internal memory, also known as primary or main memory. Internal memory को हम primary memory भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी कहते हैं. यू विल क्लियर ऑल द थिंग्स दैट इंटरनल मेमोरी ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी. ओके, नाउ सेकेंड इज एक्सटर्नल मेमोरी. एक्सटर्नल मेमोरी ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलियरी मेमोरी. ओके, हम एक्सटर्नल मेमोरी को भी दो नाम से और जानते हैं. द फर्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलियरी मेमोरी. ओके, क्लियर किड्स? अब आप सोच रहे होंगे ऑक्सिलियरी का मीनिंग क्या होता है. ऑक्सिलियरी मेमोरी का मीनिंग होता है सहायक, हेल्पर. सो किड्स, आपको पता लग गया कि कंप्यूटर मेमोरी 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज इंटरनल मेमोरी एंड द सेकेंड इज एक्सटर्नल मेमोरी. सो वी विल टेक 1 by 1. सबसे पहले हम जानेंगे इंटरनल मेमोरी के बारे में. लुक एट हियर, इंटरनल मेमोरी. द इंटरनल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज अगेन मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस. जो इंटरनल मेमोरी होती है वो 2 तरह की डिवाइसेस से बनी होती है. अब आप कहेंगे डिवाइसेस क्या होती हैं? डिवाइसेस होता है यंत्र या उपकरण, ठीक है, वो सामान जिसकी हेल्प से वो काम हो रहा है. ओके, जैसे कि लिखने के लिए आप किस तरह की डिवाइस यूज करते हैं? पेंसिल. इट्स अ काइंड ऑफ डिवाइस. यानी कि आपने उपकरण क्या यूज किया? पेंसिल. ओके, लुक एट हियर, द इंटरनल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज अगेन मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी. Number 1, रैंडम एक्सेस मेमोरी. पहला डिवाइस का क्या नेम है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. लुक एट हियर केयरफुली, R फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस, M फॉर मेमोरी. अब इन तीनों के लेटर को लेके हमने बोला रैम, RAM, रैम. इसे इन शॉर्ट हम रैम कहते हैं. एंड द सेकेंड इज रीड ओनली मेमोरी. ओके, सी, रोम, यानी R फॉर रीड, O सेज ओनली, एंड M सेज मेमोरी. इन तीनों ही वर्ड्स का फर्स्ट लेटर अगर हमने देखा तो ROM को साथ में लिख के हमने कहा रोम. इन शॉर्ट हम कहेंगे कि इंटरनल मेमोरी जो डिवाइसेस हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज रैम एंड द सेकेंड इज रोम. रैम, रोम, है ना बहुत इजी?
So come on, let's talk about RAM and ROM. First we will take RAM. अब हम RAM बोलेंगे. Random access memory नहीं, हम RAM बोलेंगे. और उधर read only memory नहीं, ROM बोलेंगे. In short, okay, RAM. RAM is the main memory of the computer. RAM computer की main memory होती है. Main. The RAM lies inside the system unit. जो RAM होती है वो system unit में लगी होती है. In the form of an electronic chip. एक electronic chip. Look at here. This is the electronic chip. ये electronic chip हमारे CPU में लगी होती है. The CPU uses the RAM to temporarily store input. CPU जो होता है वो जो भी हम उसके अंदर put करते हैं वो temporary होता है. मतलब permanent नहीं होता. तो वो जो भी हम उसके अंदर इनपुट करते हैं वो उसी समय उसका प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है. द रैम कैन ट्रांसफर डेटा टू द सीपीयू एट अ हाई स्पीड. जो रैम होता है वो हम जो भी उसमें डेटा इनपुट करते हैं वो सीपीयू में बहुत हाई स्पीड में डाल देता है. क्लियर. नाउ वी विल टॉक अबाउट रोम. मीन्स रीड ओनली मेमोरी. द रोम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी चिप दैट कंटेन्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर. जो रोम होती है एक स्पेशल टाइप की चिप होती है जिसके अंदर कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं. रोम लाइज इनसाइड द सिस्टम यूनिट. जो रोम होती है वो भी सिस्टम यूनिट के अंदर ही लगी होती है. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग्स द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड ऑन रोम. जो भी रोम में इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं डू नॉट गेट इरेज्ड. वो इरेज नहीं किए जा सकते व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ. जब भी कंप्यूटर टर्न ऑफ हो इट मींस कि जो भी रोम में इंस्ट्रक्शन हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तो वो इरेज नहीं होगा. ओके सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग. लुक एट हियर. रिमेंबर. रिमेंबर मीन्स याद रखें. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. All the data stored on the RAM get erased when the computer is turned off. जितना भी data store किया जाता है RAM में वो जब हम computer को बंद करते हैं off करते हैं वो erased हो जाता है. But लेकिन instructions stored on ROM do not get erased when the computer is turned off. जो भी instructions हम रोम में डालते हैं या जो रोम में जाता है डू नॉट गेट इरेज्ड. वो इरेज्ड नहीं होता अगर हम कंप्यूटर को ऑफ कर दें. ठीक है. क्लियर हुआ. अगेन रिवाइज इट अगेन. हम जो भी डेटा रैम में डालते हैं वो कंप्यूटर को ऑफ करने पर ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है. बट वो जब इंस्ट्रक्शंस हम रोम में डालते हैं, स्टोर करते हैं, तो कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद वो डिलीट या इरेज नहीं होता. क्लियर एवरीवन. नाउ लेट्स रिवाइज इट अगेन. हम दोबारा से रिवाइज करते हैं. कंप्यूटर मेमोरी हमने पढ़ा. द कंप्यूटर हैज़ अ मेमोरी टू होल्ड एंड स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम. जो कि डेटा और प्रोग्राम को होल्ड एंड स्टोर करती है. और कंप्यूटर मेमोरी टू टाइप्स की होती है. इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी. इंटरनल मेमोरी ऑल्सो नोन एज प्राइमरी और मेन मेमोरी. एंड द सेकेंड इज एक्सटर्नल मेमोरी ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी. ओके ऑक्सिलरी मीन्स सहायक, हेल्पर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनल मेमोरी, द इंटरनल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज अगेन मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस. ये दो तरह की मेमोरी डिवाइसेस से बनी होती है. फर्स्ट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे इन शॉर्ट हम रैम बोलते हैं. एंड द सेकेंड इज रीड ओनली मेमोरी जिसे कि हम रोम बोलते हैं. ओके रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जो कि सिस्टम यूनिट में लगी होती है. इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप. और इसके अंदर जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर ऑफ करने के बाद इरेज हो जाता है. एंड द सेकेंड इज रोम. द रोम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी चिप. एक स्पेशल टाइप की मेमोरी चिप होती है दैट कंटेन द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर. जो कंप्यूटर के स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करती है. इंफॉर्मेशन हम इसके अंदर स्टोर करते हैं वो कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद इरेज नहीं होती. स्टूडेंट इन द लास्ट क्लास वी हैव डन अबाउट कंप्यूटर्स मेमोरी. We know that there are two types of computer memory.
One is internal memory and the second is external memory. So we have already discussed about internal memory. So we are going to learn about computer's external memory. So come on, let's start the topic. Student, as you know, हमने सीखा था कि कंप्यूटर की टू टाइप्स मेमोरी होती है. एक होती है इंटरनल, जो कि कंप्यूटर के अंदर ही होती है, और दूसरी होती है एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है? वो मेमोरी जो हम कंप्यूटर में फिट करके और उस चीज़ को हम कंप्यूटर पे देख सकते हैं. जैसे कि हम सीडी प्लेयर को जब प्ले करते हैं तो कंप्यूटर पे तो देखते ही हैं, हम टीवी पे भी देख सकते हैं. तो सीडी भी एक तरह की स्टोरेज डिवाइस हुई, एक्सटर्नल मेमोरी हुई. जैसे हम कंप्यूटर में क्या क्या फिट करते हैं, जैसे पेन ड्राइव में हम कोई मूवी सेव करके उसे कंप्यूटर में अटैच करते हैं और हम मूवी देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, बट ये सब होती हैं कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरीज. और आज हम देखेंगे कौन कौन सी होती हैं ये एक्सटर्नल मेमोरीज. स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानें आखिर एक्सटर्नल मेमोरीज होती क्या हैं, इसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं. लुक एट हियर, लुक एट द डेफिनेशन. द एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस. जो कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी होती है उसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, और ये कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ये डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस से बनती है. लाइक डिवाइस के बारे में हमने जाना था ना कि किसी उपकरण को, यंत्र को डिवाइस कहते हैं. ओके, दैट अलाउ अस टू सेव इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा ऑन देम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम. जो हमें ये अलाउ करती है कि हम उसमें कोई भी डेटा, सपोज कोई 3 आवर्स की मूवी है, वो हमने सेव कर ली और वो लॉन्ग समय तक उसमें सेव रहेगी जब तक कि हम उसे डिलीट ना कर दें या किसी वजह से वो डिवाइस खराब ना हो जाए. तो समझ में आया आपको? ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे इसी तरह की डिवाइसेस के बारे में, अबाउट द कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस यूज विद द कंप्यूटर. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, हार्ड डिस्क ड्राइव. हार्ड डिस्क ड्राइव को हम इन शॉर्ट HDD भी कहते हैं. Look at the picture of hard disk drive. The hard disk drive or hard disk is the most important storage device of the computer. ये computer की बहुत important storage device है. It can store any kind of data. इसमें हम किसी भी तरीके का data store कर सकते हैं. Like graphs related, text related, movie, video, audio, anything else. Okay, all the programs that run on a computer are also stored in hard disk. जितना भी प्रोग्राम कंप्यूटर पे चल रहा होता है वो इसी हार्ड डिस्क में सेव होता है. और आपको पता है इस हार्ड डिस्क में, ध्यान से देखिए इसे, इसमें बहुत सारी मैग्नेटिक डिस्क लगी होती हैं जिसमें कि डेटा स्टोर होता है. सी, ओके, मूव ऑन द सेकेंड. नेक्स्ट हमारी स्टोरेज डिवाइस है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे कि हम इन शॉर्ट CD बोलते हैं. C फॉर कॉम्पैक्ट एंड D फॉर डिस्क. हैव यू सीन दिस? यस, अ कॉम्पैक्ट डिस्क और CD इज सर्कुलर डिस्क विद अ शाइनी सरफेस. ये एक डिस्क होती है राउंड शेप में. लुक एट द पिक्चर एवरीवन. ये एक राउंड शेप की होती है जिसमें वन साइड प्लेन होता है और वन साइड शाइनी होती है. ओके, और इसी में हमारा डेटा स्टोर होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट डिवाइस. नेक्स्ट है हमारी डिजिटल वीडियो डिस्क, इसे इन शॉर्ट हम DVD भी कहते हैं. D फॉर डिजिटल, V फॉर वीडियो और D फॉर डिस्क. DVD इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम दैट हैज बिकम वेरी पॉपुलर फॉर स्टोरिंग वीडियोस. अ DVD लुक एंड वर्क्स लाइक अ CD, बट इट हैज अ वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी. आपको पता है CD DVD एक जैसी होती हैं, बट इनमें डिफरेंस ये है, CD में हम अबाउट 700 MB डेटा सेव कर सकते हैं, बट DVD में 4.7 GB तक डेटा हम सेव कर सकते हैं. अगर हम CD में इतनी सी इंफॉर्मेशन सेव करते हैं तो DVD में हम इतनी इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस है USB फ्लैश ड्राइव. लुक एट द पिक्चर ऑफ USB फ्लैश ड्राइव. See, the USB flash drive is a small portable storage device. ये छोटी सी डिवाइस है. Okay, it also known as a pen drive, जिसे हम pen drive भी कहते हैं.
और आपको पता है ये साइज में बहुत छोटी होती है, लेकिन हम इसमें ढेर सारा डेटा सेव कर सकते हैं, डीवीडी से भी ज़्यादा। और इतनी छोटी होने से हम इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं और इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसे लगाने के लिए ये देखिए पिक्चर, इस तरह से लगाया जाता है। ओके, क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट हमारे डिवाइस का नेम है एसडी कार्ड, द सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड। ओके, या इसे हम एसडी कार्ड भी बोलते हैं। एसडी कार्ड इज़ यूज्ड विद मोबाइल डिजिटल डिवाइसेस सच एज अ टैबलेट, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। आपको पता है आपके मोबाइल में भी ये एसडी कार्ड लगाया जाता है, जिसे कि आप मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं इन कॉमन। इस एसडी कार्ड के होने से आपके मोबाइल में जितना स्टोर एरिया होता है उसे हम बढ़ा सकते हैं। सपोज़ आपने अभी 1 GB का एसडी कार्ड लगाया है और आपको लग रहा है कि आपके मोबाइल में आपको और इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, और वीडियो या डेटा सेव करना है, और आपके में सेव नहीं हो रहा, फुल जाती है मेमोरी, तो आप क्या करेंगे, आप ये एसडी कार्ड ज़्यादा का ले लेंगे, ज़्यादा जीबी का ले लेंगे, जैसे 2 GB, 4 GB, 10 GB। ओके, इससे आपकी मोबाइल की मेमोरी बढ़ जाती है, और ऐसे ही कंप्यूटर में भी होता है। ओके, लुक एट द पिक्चर। सो किड्स, ये थी हमारी सम कॉमन यूज डिवाइसेस जो कि हम कंप्यूटर के लिए यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।